हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू। मेरे पुत्र अथवा पांडु के पुत्र जब कुरुक्षेत्र मैदान में एक साथ में आए, सामने आमने सामने आए, तब उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इंसान जैसे ही अपने वक्तव्य अपने सामने रखता है, बोलता है कुछ, उसके सारे विचार जो है सामने प्रकट होते हैं। इंसान कितना भी सुंदर रहेगा, जैसे ही वो बोलना चालू करेगा, उसके विचार से, उसके बोल उसके बोलने के तरीके के से, उसके वाक्य से, उसके मन के सारे विचार प्रकट होते हैं। धृतराष्ट्र ने यहाँ पे भगवद गीता में एक ही श्लोक बोले हैं, यही है वो श्लोक। और इसी श्लोक के ज़रिए धृतराष्ट्र की पूरी मानसिकता जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है, वहाँ पे कई सारी धार्मिक चीज़ें होती हैं, धार्मिक यज्ञ हुए हैं वहाँ पे, धार्मिक अनुष्ठान हुए हैं वहाँ पे, पहले भी कई सारे धार्मिक युद्ध वहाँ लड़े गए हैं, तो वहाँ पे जो है अधर्म की जीत कभी नहीं हो सकती। उसको पूरा यकीन था कि यहाँ पे जो है मेरे पुत्र जो है अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, और पांडु के पुत्र जो हैं, पांडवगण जो हैं, वह धार्मिक के कार्य में लगे हुए हैं, धर्म उनके साथ में है। तो वो क्लियर देख पा रहे थे कि जो जगह है वह भी पांडु के पुत्रों को सहयोग दे रहा है। कई बार हम कुछ जगह पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर दूसरे जगह पे जाके अगर कार्य करेंगे तो वहाँ पे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए जगह भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कार्य में। धृतराष्ट्र देख पा रहे थे कि यह जगह जो है पांडवों को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए वह संजय से पूछ रहे थे, धर्म के इस क्षेत्र में जब दोनों मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने वयस्क होने के बावजूद भी वह यह नहीं जान पा रहे थे कि दोनों उनके ही पुत्र थे। इतने महान लीडर, इतने महान व्यक्ति इस एज में भी आने के बाद में वह क्या बोल रहे हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वह दोनों में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं दोनों को। जबकि जो है जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और पांडु के पुत्र जो थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र को पितामह ही बुलाते थे, पिताजी करके बुलाते थे, और पिताजी जैसा पूरा आदर सम्मान देते थे, पर फिर भी धृतराष्ट्र यह नहीं देख पा रहे थे। समाज में इतना क्लेश, इतना यह सब क्यों हो रहा है, मैं और मेरेपन के कारण। हम अपने लोगों को सारा फैसिलिटी, सारे सुख सुविधाएँ देना चाहते हैं, और इवन बगल में अगर कोई रो के मर रहा होगा उसको कुछ कहेंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे, उसके तरफ हमारी कोई प्रेम वाली भावना नहीं होगी, उससे सब हम लेना चाहेंगे, समाज से ले करके अपने और अपने संबंधियों को लेना देना चाहते हैं। यह बहुत ही बुरी भावना है। इसलिए कृष्ण ऐसे युद्ध के ज़रिए इन सब लोगों को हटा देते। मैं और मेरा करने वाले लोग कभी नहीं टिकते। जो पूरे वसुधा को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, वही सर्वस्व चाहे जाएंगे और सर्व जगह पे राज्य करेंगे। यहाँ पे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को अलग अलग देखने वाला यह धृतराष्ट्र बहुत ही गलत मानसिकता जो है संजय के सामने व्यक्त कर रहे थे कि जब वे दोनों जो मेरे पुत्र हैं वह अधार्मिक हैं, ऐसा धृतराष्ट्र बोल रहा था, वो जानता था, और युधिष्ठिर जो है धर्म के क्षेत्र में है,
तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए वो बोल रहे थे कि वह जब ऐसे जगह पे जा रहे जहाँ पे धर्म विजयी होता है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र को अपनी कुर्सी का भी भय लगा हुआ था, पोस्ट पोजीशन का भय सभी को सताते रहता है, ये सदियों से चला आ रहा है कुर्सी का भय सताना। आज भी हम देख सकते हैं कितने सारे पॉलिटिशियंस, कितने सारे लोग सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए कितने भय ऐसे कार्य कर बैठते जो हम सोचने से भी परे है ना। तो यह कार्य स्वयं धृतराष्ट्र भी देख रहा था। अब युद्ध के मैदान में जा कर के युद्ध ही होना था, बट फिर भी धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं क्या किए उन्होंने। उनको ये डर था, उनको ये सता रहा था कि कहीं वह जा कर के वहाँ पे शांत तो नहीं हो गए, कहीं वह वहाँ पे जा कर के उन्होंने शांति का प्रस्ताव पे साइन तो नहीं कर दिया, दोनों युद्ध करना बंद तो नहीं कर दिए, कहीं मेरे पुत्र भी जो कि अधार्मिक है वह धार्मिक तो नहीं हो गए। यह सब चिंता जो है उनको सता रही थी। युद्ध हुआ कि नहीं सही में, यह वो जानना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे वो अपना भय प्रकट कर रहे हैं कि सही में युद्ध हुआ ना, ऐसे वो संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे, मैं तो नहीं बैठ पाया इस गद्दी पे, मेरा पुत्र कम से कम बैठेगा और वह राज्य करेगा। कैसा भी हो, अधार्मिक हो धार्मिक हो, पर मेरा पुत्र राज्य करना चाहिए। अंतिम समय तक उनकी यही इच्छा थी, पर फिर भी वह नहीं जानते थे इस युद्ध का कंट्रोल करने वाले जो हैं कृष्ण हैं। हमारी इच्छा से नहीं होता है कुछ, यह सृष्टि कृष्ण ने बनाई है, उनकी इच्छा से ही जो होना है होगा, सब वह जो करेंगे वो सबसे बढ़िया ही होगा। तो इसलिए यह बहुत बढ़िया श्लोक है जिसमें कई सारे शिक्षाएं हमें मिलती हैं। कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने जीवन में इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। प्रथम श्लोक में ही डोंट्स की चर्चा करते हैं, तो ये धर्म के इस पुस्तक में यहाँ पे क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए वह बता रहे हैं। वाद विवाद से बचने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला तो आप डिफ्रेंशिएट ना करें, उसके बाद सम रहें, मतलब सभी के लिए इक्वल की भावना होनी चाहिए, इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए, और अंत में शांतिपूर्वक रह कर ही जो है हम अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता पाएंगे। नहीं तो कृष्ण की इच्छा से ही सब होता है। हम अपना कितना भी प्लानिंग कर लेंगे पर कृष्ण के प्लानिंग के सामने किसी की नहीं चलती। तो इसलिए यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि यह श्लोक में कैसे जो है अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर रूप से धृतराष्ट्र जो है अपने सारे विचार व्यक्त कर दे रहे हैं। इसी के साथ हम अंत करते हैं, कल दूसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।